नमस्कार मैं हूं शिव पैनोली और आज दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये विशेष कार्यक्रम जो है वो विक्टोरिया क्रॉस स्वर्गीय दरवान सिंह निगी के ऊपर आधारित हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में लड़ते हुए यह पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस का प्राप्त किया था उनकी जो इच्छा थी वो इच्छा थी कि हम उत्तराखंड में एक शैक्षिक विकास संपूर्ण रूप से आए और उन्होंने अपने सम्मान में जो मांगे रखी वो मांग थी कि कर्णप्रयाग के इलाके में एक अच्छा सा अंग्रेजी स्कूल जो है स्थापित किया जाए और उनकी इस मांग को स्वीकार भी कर लिया गया और एक विद्यालय कर्णप्रयाग में स्थापित किया गया आज हमारे साथ कर्णप्रयाग उसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा पहले मेरे सामने जो बैठे हैं डॉक्टर शिव दर्शन सिंह रावत जी नमस्कार जो पूर्व छात्र भी हैं और उनको इस स्कूल का दवान सिंह नेगी जी की शहादत का और उनसे संबंधित विषयों का बहुत ज्ञान है मेरे बगल में बैठे हैं समाज सेवी और मैं कहूँ तो पर्यावरणवृद्ध भी हैं श्री कल्याण सिंह रावत जी और ये भी पूर्व छात्र हैं और इनको भी पूरा ज्ञान है उस स्कूल के निर्माण से लेकर और वर्तमान तक की स्थिति तक वो स्कूल जो प्राइमरी से शुरू हुआ और आज जो है इंटरमीडिएट तक पहुंचा और कई लोगों ने वहाँ से शिक्षा हासिल की और लगभग मुझे जो ज्ञान है वो तकरीबन छः सात अभी तक जो है जनरल वहाँ के स्कूल के छात्र जो हैं निकले हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में वहाँ के स्कूल के छात्रों ने अपना योगदान दिया है तो मैं सीधे चलता हूँ सबसे पहले डॉक्टर राव जी के पास और जानना चाहूँगा कि दरवान सिंह नेगी जी का जो व्यक्तित्व था शिक्षा के प्रति और ख़ासतौर तो पे उन्होंने वो भी प्रयास किया था कि परिवहन की जो व्यवस्था है वो भी जो है हमारे गढ़वाल क्षेत्र में अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो तो उन्होंने दोनों मांगें की थी और मैं सिर्फ बात करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने मांग की थी और वो मांग को पूरा किया आ, फ्रांस की सरकार ने और उन्होंने जो है क्या क्या जो सुविधाएं उनको दी किस तरह से इस स्कूल का निर्माण हुआ और बच्चों को जो शिक्षा मिली वो कहाँ कहाँ तक आज तक पहुँचे हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तृत आप बता पाए इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज फोर उन्होंने उनको लड़ाई के मैदान में फ्रांस में फेस्टिवल करके एक जगह है उसके समीप ये विक्टोरिया क्रॉस दिया था सन 1914 में और उस टाइम उनकी बहादुरी ये विक्टोरिया क्रॉस बहादुरी के लिए सबसे ऊंचा पदक है ग्रेट ब्रिटेन का और उस टाइम ग्रेट ब्रिटेन में और उनकी जो एलाइड फोर्सेस हैं उनको वो दिया करते थे तो उन्होंने श्री दरबान सिंह जी से उस समय पूछा कि आपकी कोई मांगे तो हों तो बताएं तो हमें उनकी इस भावना का सम्मान करना चाहिए किस भाव से उन्होंने अपने लिए कुछ चीज़ नहीं मांगा वो चाहते तो मांगते कि मेरे लिए कोई संपत्ति दी जाए या कोई जागीर दी जाए लेकिन उनके दिमाग में उस अपने पूरे क्षेत्र का हित था उन्होंने बोला मेरा जो एरिया है मेरा जो क्षेत्र है वो शिक्षा के शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा हुआ है इसलिए अति कृपा होगी यदि वहाँ पे एक अंग्रेजी माध्यम का मिडिल स्कूल खुला खुला जाए और दूसरी मांग उन्होंने रखी ये ट्रांसपोर्ट के बारे में उस जमाने में आवागमन की बहुत ही बड़ी समस्या थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अगर एक ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग तक रेल मार्ग उपलब्ध हो पाए तो उनकी बड़ी कृपा होगी तो जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे उन्होंने उनकी ये दोनों मांगें स्वीकार करी और सन उन्नीस उन्नीस सौ में उन्नीस में उन्नीस में, में ये एंग्लो 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 बर्नाकुल्लर मिडिल स्कूल की वहाँ पे स्थापना की गई जो उन्नीस में इसको अपग्रेड करके मिड हाई स्कूल बनाया गया और फिर उन्नीस चौवन में चौवन में इसको इंटरमीडिएट में अपग्रेड किया गया और वार मेमोरियल का जो है उसका नामकरण भी भी। वार, वार मेमोरियल के नाम से इसको जाना जाता है अच्छा मुझे ये बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया में उनके साथ कोई और भी सहयोगी थे उनके साथ में एक उस जमाने में कानसुआ के एक कुंवर जी थे और के नोट्याल जी थे इन लोगों ने भी ये लोग इंडिपेंडेंटली अपना स्कूल चलाना चाह रहे थे उस एरिया में उन्होंने नंद प्रयाग में एक शुरुआत में एक स्कूल खोली थी तो बाद में ये तीनों लोगों के प्रयास से ये एक ही जगह पे सब लोग ने प्रयास किया और फिर ये इस तरह से इस स्कूल का एक तरह से जन्म हुआ क्योंकि स्कूल के लिए धन की भी आवश्यकता थी और मन की भी आवश्यकता थी और जो है सबके सहयोग की भी आवश्यकता थी इसलिए वो जो और भी सहयोगी थे उन्होंने भी कल्याण सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहाँ इतनी बड़ी शख्सियत हमारे देश की थी उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला और गढ़वाल राइफल के वो नायक थे और गढ़वाल राइफल का भी ये हमारे यहाँ का भी ये पहला ही विक्टोरिया क्रॉस था सबसे बड़ा सम्मान ब्रिटिश शासन का उस समय का तो ये सम्मान पाने वाले जो हैं कहाँ पैदा हुए किस तरह से उनका परवेश था किस तरह से वो निकल के आए किस तरह वो गढ़वाल राइफ़ल्स में भर्ती हुए और उन्होंने इतना बड़ा सम्मान पाया आगे चल कर हाँ ये एक हम लोगों के लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि दरवान सिंह जी का जन्म जिन पर चमोली में उसमें उस क्षेत्र उस को अपर गढ़वाल के नाम से जाना जाता था और कर्ण प्रयाग से ऊपर का क्षेत्र जो पिंडर घाटी जहाँ से पिंडर नदी आती है वहाँ नारायण नारायण बगड़ ब्लॉक में कपातीर एक जगह है एक गांव का नाम है कपारतीर कपारती और उस गांव में इनका जन्म हुआ था और एक सामान्य परिवार में ये जन्मे थे और इनकी ललक थी कि मैं सेना में जा कर के एक आ, कुछ करूं मैं जौहर दिखाऊं उसमें हमारे गढ़वाल में ज़्यादातर शिक्षण संस्थाएं नहीं हुआ करती थी लोग शिक्षा के अभाव में थे और विशेषकर लोगों का एक ही मकसद होता था कि हम सेना में भर्ती होंगे और आ, सेना में जा कर के अपने परिवार का लालन पालन करेंगे वही था कि दरवान सिंह जी घर से निकले पैदल चलकर तब यातायात की भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी और ये चल करके लेंसडाउन में जा के इन्होंने अपने वहाँ गए और ये भर्ती हो गए उस समय ये गढ़वाल राइफ़ल उनचालीसवीं उसमें गढ़वाल राइफ़ल में पहली बटालियन में भर्ती हुए थे और उसके भर्ती होने के बाद ये सीधे इनको वो मिला कि आप लोगों को जर्मन वहाँ फ्रांस जाना है और वहाँ जाकर के आपको विश्वयुद्ध में लड़ाई लड़नी है तो उस समय धरभान सिंह जी भी उस टुकड़ी में थे कौन सी जगह थी वो जहाँ पर लड़ाई हुई थी फेस्ट, फेस्ट वर्ग है वहाँ पर जी। और फ्रांस में जर्मन और उसमें के बीच बड़ी घमासान लड़ाई लग रही थी और उसमें ब्रिटेन वालों ने उनके सारे मोर्चों पर अधिकार कर लिया था और वो, वो फ्रांस के जर्मनी वालों ने उनकी और उनको, उनको खाली हाँ किस तरह से खाली करना था और यहाँ एक बहुत बड़ा अभियान था कि उसको किस तरह अगर उस फेस्ट को अगर वो जीत लेते तो बहुत बड़ी बात थी वहाँ इनको दिया गया इन नायक थे इनकी टोली थी और वहाँ जा कर के इन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ा और वहाँ जा कर के जर्मन के सारे उनको वहाँ से कर उन्होंने बाहर किया और वहाँ उन्होंने विजय प्राप्त की जबकि वो घायल थे कहीं घायल थे चोट दो गोलियाँ लगी उन पर एक बहाँ पे लगी और एक गोली लगी उनकी सिर पे लगी इसके बावजूद भी उन्होंने उस सारे जितने भी वहाँ वो थे उनको वहाँ से खदेड़ के बाहर किया और जब इनकी इस बहादुरी का चर्चा आ, म, म, किंग तक पहुँची तो वो इतने खुश हुए कि वो स्वयं वहाँ से और रण में पहुँच करके उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस धरवान सिंह जी को प्रदान किया और ये इतिहास का एक पहला वो है कि कोई इतना बड़ा राजा वो स्वयं अपने को रण क्षेत्र में जा कर के और किसी बहादुर को अलंकृत कर रहा हो ये दरवान सिंह का ही बड़ा वो था और ये हमारे लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि वो हमारे इस हिमालय के रहने वाले हमारे चमोली के रहने वाले हैं और इस तरह से उनका एक वो वो रहा उसमें छः लोगों को विक्टोरिया क्रॉस मिला था और उसमें दो भारत में पूरे हाँ और उसमें ये पहले थे दरवान सिंह जी जिनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था और फिर जब जैसे कि अभी डॉक्टर रावजी जी ने कहा कि जब उनसे कहा गया कि आप को चाहिए क्या आप बोलिए आपने इतनी बड़ी बहादुरी की है आप क्या आप हम आपको क्या दे सकते हैं तो जैसे कि उनका ये को था कि वो तो अपने क्षेत्र के बारे में जानते थे कि जब तक मेरे क्षेत्र में शिक्षा का उदय नहीं होगा जब तक मेरे क्षेत्र में शिक्षा का पदार्पण नहीं होगा तो मेरे क्षेत्र के लोग न तो आगे बढ़ सकते हैं न हम विकास कर सकते हैं इसलिए शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोगों को मिलनी चाहिए अच्छा उन्नीस में वो रिटायर्ड हुए हाँ जी और लगभग 27 साल वो जो है 27 वर्ष के बाद उन्नीस सौ में उनका देहा वासा पचास में उनका तो, दिया तो इसके बीच में उनकी क्या कार्यविधि रही किस तरह से उन्होंने अब स्कूल तो बन गया और स्कूल आगे भी बढ़ने लगा तैंतालीस में जो है वो इंटरमीडिएट भी हो गया और चौवन में जो है उसको वार मेमोरियल भी घोषित कर दिया गया तो क्या कार्यविधि उनकी रही वो किस तरह से बिजी रहते थे और किस तरह से शिक्षा के विकास में वो अपना योगदान देते रहे हाँ वही तो उन्होंने उन्हें शिक्षा के लिए भी अपने वो किया कि उन्होंने कहा मुझे न तो जायजाद चाहिए न मुझे ज़मीन चाहिए न मुझे धन चाहिए अगर मुझे कुछ देना है मैं अपने लिए नहीं मैं अपने क्षेत्र के वासियों के लिए मांग रहा हूँ अपने बच्चों के लिए मांग रहा हूँ अगर उनको शिक्षा मिल जाएगी तो आगे बढ़ेंगे और मेरे क्षेत्र का विकास स्वयं हो जाएगा तो उन्होंने कहा एक हमें अगर, अगर अंग्रेजी वर्णकुल स्कूल मिल जाए तो इसके लिए मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँगा तो अंग्रेज़ों ने तुरंत उस समय इसको स्वीकृत किया और दूसरी शर्त उनकी ये थी कि मुझे हम लोगों को अपने घर जाने में बड़ी कठिनाई होती है और हमारे यहाँ यातायात की सुविधा नहीं है अगर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक अगर रेल लाइन बन जाए तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी तो उनकी एक मांग तो हो गई पूरी दूसरी मांग पर अभी भी लोग प्रयास रहे नहीं उस समय तो उस पर तो हो गया था वो हाँ अंग्रेजों ने तो मान ली थी उसमें उसका सर्वे भी हो गया था लेकिन वो तब से ठंडे बस्ते में पड़ा रहा अभी तक वो काम शुरू नहीं हो पाया लेकिन अब जाकर के कुछ सुगवाहट हुई है कि वो रेल मार्ग भी कर्णप्रयाग तक जाने की कुछ पहल हो रही है हाँ डॉक्टर रावत अनुमान अभी जो कल्याण सिंह जी ने कहा है कि हर व्यक्ति की इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊँ रोज़गार पाना बहुत जरूरी था और जैसे पोस्टल हम कहते हैं ना कि पोस्टल इकोनॉमी थी तो उस जमाने में सब लोग फौजी बनना चाहते थे और पोस्टल इकोनॉमी के जरिए अपने जीविका निर्वाजन करते थे तो वो आ, जो शख्सियत है जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं दरवान सिंह जी तो उनके जहन में भी शायद ये आता कि मैं रिटायर्ड होने के बाद एक बड़ा सा घर बनाऊँ वहाँ रहूँ आराम से रहूँ और उनके मन में ये ना आकर उन्होंने सीधा ही मांग की किस तरह से वो उत्पन्न हुआ होगा उनके अंदर वो विचार कि नहीं मेरे इलाके में जो है शिक्षा का बहुत कम मतलब अब, अभाव है और तो मैं इसका शिक्षा का विस्तार करने के लिए इनसे ये मांगलू तो हो सकता है ये मुझे दें दे। और उनको वो मिला भी बहुत कम लोग हैं तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के विचारों को दुनिया में पहुंचाना पहुँचाना नितान्त आवश्यक हो गया है तो यही गोष्ठी जो है आज संभवतः इसी विचार से हम जो है यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं मुझे ये बताइए कि आप तो उस स्कूल में पढ़े हैं कहाँ तक पढ़े हैं और आ, कौन कौन विद्यार्थी कहाँ किस किस लेवल तक जाके उस स्कूल से शिक्षा लेके पहुँचाए ताकि वो जो सरवासी हमारे विक्टोरिया धरवान सिंह जी हैं उनकी आत्मा को भी कहीं ये संतुष्टि मिल रही होगी कि हाँ देखिए मैंने जो शिक्षा का केंद्र खोला था उससे बहुत बहुत लोगों को फ़ायदा मिला ये अत्यंत गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय ने आ, वार मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज गणप्रयाग इसने लगभग सभी क्षेत्रों में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो फौज का ही क्षेत्र हो चाहे वो सिविल सर्विसेज का क्षेत्र हो चिकित्सा इंजीनियरिंग व्यवसाय इस सभी क्षेत्रों में आ, बड़े अच्छे अच्छे लोगों लो, लोगों को दिया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया हुआ है हमारे विद्यालय से कई लोग सिविल सर्विसेज में हैं आई में हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हैं और भी कई ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं और ऊंचे-ऊंचे टॉप लेवल तक भी पहुंचे हुए हैं उसी तरह से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वो भी प्रचुर मात्रा में इस कॉलेज ने पैदा किए हैं yeah. और सेना में भी उच्च पदों पे जनरल लेवल तक के ऑफिसर्स मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तक यहाँ से पैदा हुए हैं यही नहीं भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी विदेशों में भी कई लोग व्यवसाय में या व्यापार में अच्छा नाम कमा रहे हैं और इस पर हमें काफ़ी गौरव है उनको भी गर्व होगा इस बात पे सभी लोगों का कल्याण सिंह जी आप बताएं कि आप भी क्योंकि उसी स्कूल के पढ़े में और लगभग पूरी शिक्षा आपकी उसी केंद्र हुई है या फिर कहीं और भी हुई है आप बताएंगे और दूसरा ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो है वहाँ की शिक्षा दीक्षा जो कहा गया था कि अंग्रेजी माध्यम का एक स्कूल चाहिए क्या उस तरह से ही वो स्कूल बढ़ा उनके जो विचार थे उसी तरह से स्कूल बढ़ा या थोड़ा बदलाव कहीं आया वो एक प्रकार से हम कहें कि अपर गढ़वाल में एक शिक्षा का वो एक ऐसा दीपक था कर्णप्रयाग जहाँ से मेरे ख्याल से पूरे उस क्षेत्र में उसकी रोशनी पहुँच है क्योंकि आप कर्णप्रयाग की अगर लोकेशन देखेंगे तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के संगम पर है और इधर ये पूरे पोखरी क्षेत्र को इधर से आपके गैरसैण क्षेत्र को इधर से पूरे आपके पिंडर घाटी को पूरे को कवर करते हैं और इतने सारे क्षेत्र के बच्चे सारे इंटर कॉलेज पढ़ने के लिए कर्णप्रयाग आते थे और ये कर्णप्रयाग सबसे पुराना विद्यालय था क्योंकि ये यही था कि सबसे पहले 1903 में एक विद्यालय खोला था नंदप्रयाग में आ, तो महिषानंद जी ने 1903 में तो वो भी उन्होंने एक अंग्रेजी स्कूल खोला था और अपने पैसों से उन्होंने विद्यालय को खोला था कि ताकि यहाँ के बच्चों को कुछ शिक्षा मिल सके लेकिन वो अकेले दम पर नहीं चल पाए आगे फिर कुछ जब तक ये प्रथम विश्वयुद्ध लगा तो उसके बाद 1917 में उस विद्यालय को शिफ्ट कर दिया गया कर्णप्रयाग में अच्छा। कुछ उत्साही लोग आए गडकेश् अनुसुया प्रसाद जी उधर उधर इधर काफी शिव प्रसाद जी शिव सिंह कुंवर जी जिन्होंने जो कि उसमें तहसीलदार थे अल्मोड़ा में और वहाँ से आए और अपने घर में आए थे कि मैं अपने घर में एक बहुत बड़ा आलिशान मकान बनाऊंगा शिव शिव सिंह जी ने दो चार बार हाँ जी और जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो मैं इतना बड़ा मकान बना करके कि किसके लिए बनाऊँगा यहाँ तो सारा अंधकार पड़ा हुआ है कोई यहाँ ना तो शिक्षा का कुछ है अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा तो वो उन्होंने उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं ये सबसे बोले मुझे अपने मकान से बढ़ रहे मुझे एक स्कूल खोलना है और ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें और उनका ये ध्यान था कि मुझे स्कूल खोलने के लिए पैसा चाहिए तो वो वहाँ से वो हुए और उनके कई सहयोगी हुए ये घनश्याम जी हुए कई लोग हैं उनके साथ डिमरी जी हुए ये चंदा मारने मांगने के लिए पूरे क्षेत्र में गए और सारे क्षेत्र में जा कर के इन्होंने चंदा इकट्ठा किया कि हम कर्णप्रयाग में एक छोटा सा स्कूल मिडिल स्कूल खोलेंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे और उसी दौरान क्या हुआ कि उन्नीस में वो विद्यालय वहाँ से उन्होंने इधर कर्णप्रयाग में शिफ्ट किया और यहाँ पर आकर के एक विद्यालय का नया वो हुआ तो तब तक हाँ विद्यालय तो था बाद में तब जाकर के हमारे बी सी सिंह जी ने अंग्रेज़ों से मांगा कि इस विद्यालय को जो है सरकारी कर दिया जाए इसको आ, वर्निकुलर तक बनाया जाए इंग्लिश वर्निकुलर और तब से वो विद्यालय वहाँ पर बना 1943 में ये विद्यालय फिर हाई स्कूल में बना उसके बाद फिर ये उन्नीस सौ में ये इंटरमीडिएट तक बना और उसी समय इस विद्यालय को वार मेमोरियल के नाम से इसको बना दिया गया कि हमारे जो लोग हैं यहाँ ज़्यादातर सेना में हैं और ये बहादुरी जिन्होंने दिखाई तो उसके नाम पर इस विद्यालय का नाम वार मेमोरियल इंटर कॉलेज कर्ण गया तो वहाँ पर से इस विद्या का इस शिक्षा का एक इतना ज़्यादा प्रसार प्रसार हुआ दूर दूर से लोग वहाँ पढ़ने आते थे हॉस्टल में रहते थे और वहाँ पर इतने बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ पर पढ़ाने के लिए आए वहाँ पर सबसे पहले घनश्याम डिमरी जी इसके प्रिंसिपल बने उनको वहाँ पर रखा गया उसके बाद जब ये हाई स्कूल बना तो उसके बाद यहाँ पर गोपाल दत्त जोशी जी को यहाँ पर प्रधानाचार्य पर बनाया गया और सबसे बड़ा जो इसमें योगदान रहा ये शिव सिंह कुंवर जी का रहा जिन्होंने कि अपना सब कुछ लुटा करके इस विद्यालय को दर्थ वहाँ पर किया उसके बाद जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि उस विद्यालय से ऐसे ऐसी शख्सियत निकले ऐसे बच्चे निकले कि वहाँ इतनी बढ़िया पढ़ाई होती थी इतने अच्छे लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे उसको एक प्रकार से कर्णप्रयाग को शिक्षा का एक त्रिवेणी कहा जाता था वहाँ पर सारे लोग जो हैं शिक्षा ग्रहण करके बड़े बड़े पदों पर गए हैं अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि दरबार सिंह जी का कोई और भी पद कभी उन्होंने लिया जैसे वहाँ तो जब फौज से रिटायर्ड हुए उसके बाद उन्होंने जो समाज सेवा अपनी की सुनने में आया है कि वो पौड़ी में भी कहीं सिटी बोर्ड में कभी जो है वो सदस्य रहे वहाँ भी उन्होंने कभी योगदान दिया मेरे ख्याल में वो सोल्जर बोर्ड के सदस्य थे मैं एकदम हंड्रेड परसेंट बोर्डर बोर्ड नहीं के हाँ सोल्जर बोर्ड के, थे। सोल्जर बोर्ड के सदस्य थे और इसके अलावा उन्होंने अपने उस पूरे इलाके में काफ़ी सामाजिक कार्यों का उन्होंने एक तरह से आप उनकी सामाजिक कार्यों की शुरुआत करी और अपने गाँव में भी उन्होंने एक छोटा सा स्कूल चलाया इसमें सबसे बड़ी देखने वाली मतलब हिंदी स्कूल हिन्दी स्कूल प्राइमरी लेवल का शायद स्कूल चलाया इसमें देखने वाली बात यह है जब उनसे किंग जॉर्ज फाइव ने पूछा कि भाई आप अपनी मांगा बताइए तो उन्होंने अपने गांव के लिए नहीं स्कूल मांगा उन्होंने स्कूल मांगा कर्ण प्रयाग के लिए और उसका रीज़न ये था जैसे अभी मेरे भाई कल्याण सिंह जी ने बताया कि ये एक सेंट्रल प्लेस था कर्ण प्रयाग तो उनके मन में सिर्फ अपना या अपने गांव का ये हित नहीं था उनके गांव में हित था पूरे क्षेत्र के विकास का और पूरी क्षेत्र को शिक्षा प्रदान करने यानी कि ये कहा जाए कि अगर वो जो केंद्र में लाना चाहते थे और उससे शिक्षा का जो विस्तार हुआ तो आज जो उत्तराखंड जो है जो हम कह रहे हैं कि एजुकेशनल हब हो गया है, तो शायद कई प्रेरणा उन्हीं से प्राप्त हुई होगी मैं ये भी जानना चाहूँगा कल्याण सिंह राव जी से कि उनकी दरबार सिंह जी की याद में बहुत कुछ जो है जगह जगह कई पुस्तकालय कई कुछ संग्रहालय बनाए गए हैं अभी लैंशाउन में भी अभी जिस दिन उनको अवार्ड हुआ था उसी दिनांक में आप भी वहाँ गए थे और उनके सम्मान में जो है वहाँ आपने पुष्प अर्पित किए वो जो संग्रहालय बनाया है और उनके नाम पर जो वो समर्पित किया गया किस तरह का संग्रहालय है और उससे क्या छवि हमारे उत्तराखंड की बनी है लैंसडाउन में वो हमारे गढ़वाल राइफल का एक मुख्यालय है और वहाँ पर सारी जो जितने भी शौर्य से संबंधित चीज़ें हैं वो संग्रहालय में रखी गई हैं केवल प्रथम युद्ध नहीं और भी युद्धों के सारे जो भी बड़े बड़े कारनामे हुए हैं बड़े बड़े शौर्य दिखाए गए हैं उनके सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने रखा है संग्रहालय बहुत खूबसूरत बनाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्गीय दरवान सिंह जी के नाम पर इस संग्रहालय का नाम रखा गया है ये बड़ी ऊंची बात है लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस दो लोगों को मिला है एक तो गबर सिंह जी को मिला है जो चंबा के रहने वाले हैं और एक दरवान सिंह पहले व्यक्ति थे धर्वान सिंह जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था आज गवर सिंह जी के नाम पर चंबा में हर वर्ष एक बहुत बड़ा मेला होता है उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है और वहाँ पर स्थानीय लोग मिल कर के उस आ, आ, को वहाँ पर आ, गवर सिंह जी को याद कर करते याद करते हैं है। मैं उस विषय पर आ रहा हूँ अभी मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ जो आप सवाल बोलने वाले हैं जवाब देने वाले हैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अब शताब्दी वर्ष भी है धरबार सिंह जी का और इस शताब्दी वर्ष में एक समिति भी निर्धारित की गई है कि एक भव्य तरीके से जिस जो बात अभी कल्याण जी कर रहे हैं कि एक भव्य तरीके से एक समारोह आयोजित किया जाए क्या समारोह होगा और क्या उसकी रूपरेखा है और किस लेवल तक आप इसको ले जाना चाहते हैं आप बताएंगे डॉक्टर साहब मैं भाई कल्याण सिंह जब मैं इससे ज़्यादा विज्ञ नहीं हूँ <laughs> विस्तार से कल्याण सिंह जी बताएँगे तो मानी बताएं कि क्या रूपरेखा है इस पूरी समिति की और ये जो शताब्दी वर्ष है किस तरह से मना रहे हैं सरकार इसमें क्या भागीदारी कर रही है और उनको किस तरह से याद किया जाएगा हाँ अब जाकर के थोड़ा सा एक नई सोच डेवलप हुई है और पहली बार जब ये शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है चौबीस अक्टूबर को उन्होंने ये विद्यालय का श्री गणेश हुआ था कर्णप्रयाग में और उसी 24 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक इस बार हमारे वहाँ पर कर्णप्रयाग में एक वार मेमोरियल शताब्दी समिति समारोह समिति बनी है जिसके अध्यक्ष हमारे जाने माने वकील हरीश पुजारी जी हैं और महामंत्री भुवन नोटियाल जी हैं और इन उसमें बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे लोग जुड़े हैं इन सब ने मिलकर के ये तय किया है कि हम इस कार्यक्रम को बड़ा भव्य बनाएंगे इस उसमें ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और उन्होंने ये निवेदन किया है कि इस कार्यक्रम को और बड़ा भव्य बनाया जाए तो अभी से शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं लेकिन उसमें यह है कि बच्चों के कुछ कार्यक्रम किए जाएं भूतपूर्व सैनिकों के मतलब बहुत सारे पर... ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जिससे कि हम स्वर्गीय धरवान सिंह जी ने की जी को याद करें और उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करें आज का ये कार्यक्रम आधारित था एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने आ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सोच रखी थी बहुत अच्छी सोच रखी थी परिवहन के लिए बहुत अच्छी सोच रखी थी और सम्भवतः ये कहा जाए कि एक शिक्षा का जो एक केंद्र बनाया था जो वार मेमोरियल जीआईसी आई सी कर्णप्रयाग है उसके जरिए वो चाहते थे कि संपूर्ण देश में एक बात पहुँचे कि शिक्षा का विकास बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के विकास के लिए हमारी पर्सनल विकास के लिए और हमारे अर्थ व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ उपस्थित हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हुए डॉक्टर रावत जी का और कल्याण सिंह रावत जी का नमस्कार